ब्रेकिंग, लखनऊ। पुराने लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च। त्योहार के दृष्टिगत पुलिस ने किया मार्च। कमिश्नर लखनऊ डी के ठाकुर के आदेशानुसार किया गया फ्लैग मार्च। डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया मार्च। चौक क्षेत्र की पाटानाला चौकी से शुरू हुआ पुलिस का फ्लैग मार्च। बारिश के चलते गांडियो सिंह आस, बिलौचपुरा, नाका, कैसराबाग और वजीरगंज में फ्लैग मार्च। टीले वाली मस्जिद से सतखंडा चौकी तक पैदल गश्त। डीसीपी, एडीसीपी व एसीपी ने पैदल गश्त कर लिया जायजा। मार्च में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी चौक सहित कई थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। वकार हुसैन की रिपोर्ट। आज मार्च हुआ है, कुछ हुआ है, क्या कुछ चीज़ें हुई है? आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च कर दी गई है। इस फ्लैग मार्च के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में मन में विश्वास रहे कि पुलिस जनता के साथ है, आने वाली हर त्यौहार को, फेस्टिवल को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हम लोग गुस्सा है, अलर्ट है और पूरी जनता की सहयोग के साथ कोई भी जो भी त्यौहार आने वाला सब कुछ संपन्न करवाएगी। दूसरी बात जिसके लिए मुख्य रहा, जिसमें हम अनाउंसमेंट करवाने की बाबा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जागरूकता है कोविड के खिलाफ, वो भी आज के डेट में कहीं पर जनता के बीच में थोड़ी कम पड़ती दिख रही है। आगे त्यौहार है जो एक दूसरे से मिलने का समय है, एक दूसरे से मिलना लोग चाहेंगे। हम ही बोलेंगे सबको कि कृपया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस उसका पालन करें और कम से कम हर व्यक्ति दो चीज़ की पालन करे, दो गज की दूरी और मास्क, जो अगर कर लिया जाए भविष्य में एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, दवाई, इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हम देख सकते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के ऑफ यूनिट्स कल डिप्लॉय हो जाएंगे पूरे जगह पे। अलग अलग चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील भी लोग रहेंगे, स्पेशल दस्ते लगाए गए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ एल आई इंटेलिजेंस टीम है वो लगी हुई है, हमारे साथ स्पेशल फोर्स जो गवर्नमेंट फोर्सेस है वो भी प्रोवाइड की गई है, जो इस क्षेत्र में तैनात रहेंगे पूरे वेस्टर्न जोन में यूपी के। इसके अलावा भी QRT, फायर ब्रिगेड, अदर ऑपरेशन व्हीकल्स, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी आवश्यक सामग्री है सबकी डिप्लॉयमेंट हो गई है। कल नमाज भी है, उसके लेके मस्जिदों के बाहर कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ नमाज की जो इंतज़ाम किए हैं? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बहुत बार हमारी मीटिंग हुई है, जो मौलाना है उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने बताया है कि कितनी समस्या है, ये है, वो है, उन सबको एड्रेस किया जा रहा है, ठीक भी है। उसके साथ साथ सारे मौलाना जो भी हैं वो लोग पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसको पालन करने के लिए अपने जितने भी स्टाफ है जिनके भी उनके लोग उनके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कल सबके सहयोग से बहुत ही कुशलता के साथ सब कुशल जो है हमारी ईद की पालन।